को मैं शीघ्र मिल जाता हूँ। चित्त हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, कोई शिकायत नहीं, कोई उलझन नहीं, हमेशा खुश रहो। खुश रहोगे तो ज्ञान भी लगेगा, और जब तुम खुशी नहीं रहोगे तो ज्ञान क्या काम आएगा तुम्हारे? ज्ञान भी तो आनंद के लिए है ना। फिर अब सारा दिन संसार की उलझनों में उलझे रहो, मन के साथ उलझे रहो, तो क्या मजा आएगा ज्ञान का? सबसे पहला लक्षण प्रसन्नचित्ता, एवर यंग, एवर फ्रेश, एवर इन मूड। गीता भगवान तो बोलते थे जिस दिन तबीयत खराब हो उस दिन बल्कि बढ़िया साड़ी निकाल के पहन के आओ सत्संग में, खुश रहो। जरूरी नहीं इंसान को बाहर की कीमत हो, कीमत उसके कृत्य की होती है। आज देखो पायल है चांदी की, महंगी आती है ना, बिंदी सस्ती आती है, पर फिर भी पायल पैर में, बिंदी माथे पे, कर्म की महानता हो गई ना, चीज की महानता नहीं हुई, कर्म की हो गई। अब अगर हम भी हर समय परिस्थितियों में नाप तौल ना करें और अपना स्वभाव बना लें खुश रहने का, तो हमको कौन दुखी कर सकता है? हमारी धारणाएं गलत, विचार गलत, उससे हम सारा समय उलझते रहते हैं। और प्रसन्नचित रहोगे तुमसे गलतियां भी नहीं होंगी, प्रसन्नचित रहोगे तुम्हें सब प्यार भी करेंगे, प्रसन्नचित रहोगे तुम्हें खुद भी हल्कापन रहेगा अंदर। ये जितने लोग अंदर से भारी होते हैं, मायूस होते हैं, उलझते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि शुक्राना नहीं गाते हैं, कोई ना कोई शिकायत पकड़ के बैठे हैं। अब कल तुम ही ने कहा मुझे सारी जिंदगी कोई खुशी मिली नहीं। अब सारी जिंदगी तो नहीं कह सकते, जिंदगी तो बची हुई है और गुरु मिल गया तुम्हें। पिछला पाठ छोड़ दो, अब तुम हमारे यहाँ आके भी, इतना प्यार पा के भी पिछली बातों को पकड़ के बैठी हो, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया मेरे। देखो ऐसे तो अब हर कोई अपनी लाइफ के पीछे जाएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज तो रही हैं जिंदगी में, और नेगेटिविटीज भी कम थी, हमारे रवैये गलत थे। कोई ये तो नहीं कि हम 100% राइट थे, हमारी थिंकिंग 100% राइट थी, कहीं ना कहीं हमारे कर्म के हिसाब होंगे, कहीं हमारी सोच गलत होगी, कहीं हमसे भी गलत हो रहा होगा, चलो जो भी हो गया लीव इट असाइड। पर आज जीवन की कितनी बड़ी खुशी मिली है, सतगुरु मिले तुम्हें जीवन में, और वो भी ऐसे तुम्हें तुम्हारे जैसे होकर। कोई वो संत नहीं मिले जो 60 फुट की दूरी रखें, वो संत नहीं मिले जो अप्रोचेबल ना हो, वो संत नहीं मिले जो हमारे दिल की बात ना सुनते हों। हम इस मामले में कितने सौभाग्य हैं। पर अभी भी अगर हम अपनी हालतों के रोने रोते रहेंगे फिर हम खुश कैसे होंगे? खुश तुम्हें कोई बाहर से नहीं करेगा, अपनी खुशी अपने भीतर खोजनी होती है, अपनी परिस्थितियों के शुक्राने मानने होते हैं, गुरु मिलने के, सत्संग मिलने के। जब ऐसी ऐसी चीज़ों के शुक्राने मानोगे, गुरु का साथ करोगे, प्यार लोगे, तो अपने आप प्रसन्नचित्ता आएगी। अब कोई मनोरंजन वाला आदमी थोड़ी बुलाएंगे, तेनालीरामा विदूषक थोड़ी बुलाएंगे जो आके तुम्हें हंसाएगा, खुश करेगा, या कोई वो बकरे वाला नहीं बुलाएंगे, वो जो लड़की अस्ति नहीं थी फिर आदमी बकरा लेके आया, पहले दाढ़ी गिर गई, फिर दाढ़ी उठाई तो पेट गिर गया, तो लड़की राजकुमारी हंसने लगी। अब तुम्हारे लिए कोई ऐसे प्रबंध तो किए नहीं जाएंगे, तुम इतने समझदार हो, अपनी खुशी अपने में ढूंढनी सीखो। मैं जब आनंद स्वरूप हूँ तो मैं ना आनंद में आता क्यों हूँ? अपने से मैं ये बात करूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ना आनंद में कौन ला रहा है मुझे? मेरे ही कुछ ना कुछ उल्टे सीधे ख्याल ला रहे हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं।
हर हालत में खुश रहो, प्रसन्नचित रहो, मौज में रहो। क्या परेशानी है? क्या हो गया? फिर कोई बात नहीं, तो कोई चीज आगे पीछे हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, एंजॉय इट। झूला ऊपर जाता है तो भी एंजॉय करते हो, नीचे आता है तो भी एंजॉय करते हो। हर परिस्थिति शुक्राना मानने योग्य है, मुस्कुराने योग्य है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, कौन सी है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाल सके? है कोई विपत्ति ऐसी? कोई विपत्ति नहीं। हर हालत में तुम मुस्कुरा सकते हो, शुक्राने गा सकते हो। जब लड़के का एक्सीडेंट हुआ और उसके मुंह पे सब पट्टियां वट्टियां बंधी हुई थी, काफ़ी तकलीफ थी, हड्डियां मुंह की भी टूट गई थी, दोस्त आया मिलने, भाई इस अस्पताल में मेरी अच्छी जान पहचान है, कोई तकलीफ हो तो बताओ, मैं कह देता हूँ, मुंह की पट्टी थोड़ी ढीली करवा दो, मुंह की पट्टी ढीली करवा दो। क्या हो गया? कह रहे कुछ नहीं, हंस नहीं पा रहा हूं। अरे तेरे को इतनी चोट लगी है, हंसने की क्या जरूरत है? कहता है इसी दिन के लिए तो मैंने हंसना सीखा था। ज्ञान क्यों पक्का किया? कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, कुछ विपरीत हालत आ जाए, तुम्हारी प्रसन्नता खत्म नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो ज्ञान सुना है। अब ज्ञान सुनने के बाद भी तुम सारा दिन कभी कैसे मुंह बनाते हो, कभी कैसे? भगवान बोलते थे सारा दिन भगवान फोटो खींच रहा है। अब जैसे जैसे मुंह बनाओगे उस जून में जाना पड़ेगा, सुअर जैसी बनाओगे, कुत्ते जैसी बनाओगे, और अगर हर वक्त मुस्कुराओगे तो भगवान की जून में जाओगे, क्योंकि भगवान मुस्कुराता है, यानी उससे मिलके एक हो जाओगे। दुखी होने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास। अगर ध्यान दो, ईश्वर की इतनी कृपा है, हमारे पास दुखी होने के लिए कुछ है ही नहीं। ढूंढो क्या है दुखी होने के लिए? शरीर भी लाखों से अच्छा है, घर के कर्म प्राणी भी लाखों से अच्छे हैं, परिस्थितियां सब बहुत अच्छी हैं, गुरु की शरण मिल गई है, गुरु ने कोई शर्त नहीं रखी है मेरे से, ये कम कृपा है। अगर गुरु शर्त रखता, दुनिया के संतों के पास शर्तें हैं, जोड़े को नाम दान देंगे, फिर हमारे पास आना है तो ये छोड़ो वो छोड़ो, बहुत शर्तें हैं। गुरु ने एक शर्त नहीं रखी, ये भी नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, जात भी नहीं पूछी तेरी, बेशर्त देना शुरू कर दिया, ये भी नहीं देखा हम जिज्ञासु हैं नहीं हैं, सब तो उन्हीं की कृपा से हुआ। सोच के देखो, हमारे जैसा सभागा दुनिया में हो सकता है दूसरा? और फिर हम ही लोग मुस्कुराते नहीं हैं, बेकार के रोने लेके बैठे हुए हैं, कभी पति का, कभी बेटे का, कभी शरीर का, ये सब चलता रहेगा, रेट की चींची तो चलेगी, घोड़े को आदत डालो ना पानी पी ले, बस चलेगी तो झटका भी आएगा, ट्रेन चलेगी तो शोर भी होगा, हवाई जहाज भी शोर करता है, जब आकाश में उड़ जाता है तुम्हें नीचे शायद आवाज ना आए, पर जो बैठे रहते हैं प्लेन में उनको तो आवाज आता रहता है, प्लेन भी आवाज करता है, उसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन हम उस आवाज को इग्नोर करके खाने पीने में मस्त हो जाते हैं। अब ट्रेन में जाते थे, अपना खाया पिया, कभी कभी लूडो वूडो साथ ले जाते थे, खिड़कियां बंद कर दी, आवाज ना आए, शोर ना आए, कई लोग ताश खेलते रहते, मस्त है ना। तो अगर शरीर धारण किया, इसके साथ कुछ कुछ छुटर पुटर तो चलेगा, अभी कोई मीरा और क्राइस्ट जैसे कष्ट तो नहीं आ गए? आ गए क्या? अभी भी बहुत अच्छे हो, सेफ हो। अगर शुक्राना मानोगे तो पूरा समय खिलखिला के हंसोगे, सूरज देखो खिलखिला रहा है, पूरा प्रकाश दमक रहा है उसका, पेड़ों को देखो, हवा चलती है ना, ऐसे लगता है पेट पकड़ के कोई जोर जोर से हंस रहा हो, चांद को देखो कितनी प्यारी चांदनी बिखेर के हंस रहा है,
सारी प्रकृति परमात्मा की खूब हंस रही है और इंसान के लिए सारी प्रकृति तैनात है और इंसान को हंसना नहीं है क्योंकि उसने बैठ के दुख लगाने की फैक्ट्री लगा रखी है। कुछ ना कुछ चुनते रहना है, उलझते रहना है, खामखा अपने को परेशान करते रहना है, कोई बात ही नहीं है। सारे दिन में ढूंढो कभी कोई बात ही नहीं मिलती दुखी होने के लिए, और 1% कुछ आ भी जाए सामने, चलो साइड कर दो उसको, खत्म हो गई बात। क्या गया तुम्हारा जो हंसते नहीं हो? दादाजी बोलते थे चीनी के जहाज डूब गए हैं तुम्हारे जो हंसते नहीं हो। चीनी का जहाज डूबता है ना जब, तो चीनी पानी में मिल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, बड़ा लॉस हो गया। तो तुम्हारे क्या चीनी के जहाज डूबे हैं? क्या गया तुम्हारा? गुरु के करीब भी वही आ सकता है जो प्रसन्नचित होता है। भगवान तो हमारे बोलते थे कोई मुंह बना के हमारे पास आए ही ना। घर में किसी का मूड खराब होता था, कहते थे प्लीज छोटे पैराडाइज में रहो जाके, मेरे यहां वाइब्रेशन मत फैलाओ, ये गंदे देख ही नहीं सकते थे किसी को। मूड खराब, उदास, बोलते थे खुश रहो, सब हंसो, प्रसन्नचित रहो, सब गुजर जाने वाला है। आप इतना तो जानते हो, जब ताले की फैक्ट्री में ताले बनाए जाते तो क्या कोई ताला बिना चाबी का बनाया जाता है? जो ताला तैयार होता है उसके साथ उसकी चाबी तैयार होती है। हालतें क्या हैं? ताले कोई बात नहीं, भगवान के यहां चाबी है। वो आता है ना तारक मेहता, क्या कहता है? प्रॉब्लम है, अंदर सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या है? चश्मा उल्टा करो, नजरिए की है बात। उल्टा क्यों बोलता है चश्मा? दुनिया वालों ने जैसा नजरिया रखा है वो नहीं, तुम उल्टा रखो नजरिया तो एंटरटेनमेंट हो जाता है। अब हर हालत वो ऐसी लेते हैं, प्रॉब्लम लगती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन इस ढंग से करते हैं कि एंटरटेनमेंट हो जाता है। फ्री हो, खाना खा रहे हो, लगता है देख लें थोड़ा सा, मजा आएगा। क्या मजा आता है? कि कैसे वो अपना नजरिया बदल के हर हालत को अपने लिए अच्छा कर लेते हैं। यही बात है ना, हम क्यों नहीं नजरिया बदल सकते अपना, सब कुछ अच्छे के लिए। कभी तुम नहीं मुस्कुरा रहे हो, अपने से प्रश्न करो क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हो। बार बार आईना देखो और मुस्कुराओ, स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। अब हॉस्पिटल में होते हो, नर्स आती है सुबह सुबह, कल पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, अभी इतनी ब्रॉड स्माइल से गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ना चाहते हुए भी पेशेंट के मुंह पे स्माइल आ जाती है। उसने गुड मॉर्निंग इतनी प्यारी करी, चेकती हुई आई ना, चाहे उसके घर में कुछ भी हुआ हो, पर हॉस्पिटल में चेकती हुई आती है। ये नहीं कि पेशेंट पे गुस्सा निकाले, आदमी से लड़ाई हो गई घर में, आते ठोक दी सुई जोर से, ले मुआ मर, नहीं, मुस्कुरा के पूछती है कैसे हो, कल क्या खाया था, रात को नींद आ गई आपको अच्छे से, ऐसे लगता है हमारे घर का कोई मेंबर है। क्यों? प्रसन्नचित करने के लिए। जो पेशेंट प्रसन्नचित नहीं होगा वो ठीक कैसे होगा? ये जो हंसना है ये बहुत बड़ी औषधि है, दवाई है बहुत बड़ी। हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। हंसोगे मुस्कुराओगे जीवन की सारी उलझने उड़ जाएंगी, सारी उलझने दूर हो जाएंगी। कभी कभी आप अपने को बहुत बांध देते हो किसी चीज से, वो भी आपकी हंसी छीन लेती है। बांधो नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, क्या हो गया फिर?
खुश रहो हर चीज के लिए। मान लो एक दवा भी खानी है, भूल पड़ गई तुम्हें, टेंशन मत करो, क्योंकि टेंशन से और बीमार हो जाओगे। अच्छा कोई बात नहीं, भूल पड़वाने वाला भी भगवान, अगली डोज ना डबल दवाई का असर कर जाएगी अपने आप, भूल पड़वाने वाला भी भगवान है। अब डॉक्टर कहता है फ्रूट जरूर खाना, एक दिन नहीं मन कर रहा तो टिक्की खा लो, पकोड़े खा लो, नहीं नहीं फ्रूट खाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने दिन जो खा लिया उसका इफेक्ट है, एक दिन नहीं मन कर रहा मत खाओ। डॉक्टर ने बोला सूप पीना, अब नहीं पिया जाता रोज, अच्छा एक दिन स्किप कर दो भाई, आज नहीं पियेंगे, आज कॉफी पियेंगे, आज चाय पियेंगे, क्या हो जाएगा। कभी कभी छोटी बातें भी ना ऐसे डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं। आप लोग जरूरत से ज्यादा बांध देते हो अपने को हर चीज में, ठीक है इट्स ओके। क्या हो गया, डॉक्टर मना करता है चाय नहीं पीना, अच्छा नहीं पी चार दिन छह दिन, फिर एक दिन मन कर गया, अच्छा पी लिया आधा कप चाय, कोई नुकसान नहीं करती। क्योंकि जिस चीज को हम खुशी से कबूल करेंगे वो हमेशा हमें पॉजिटिव इफेक्ट देगी, और जिस चीज को हम नेगेटिवली लेंगे वो हमेशा नेगेटिव इफेक्ट देगी। एक दवा भी खाते हो, रोज खानी पड़ती है, ये वो पता नहीं क्या क्या सोच के दवाई खाई, वो कभी ठीक ही नहीं करेगी तुम्हें। पर दवा खाओ मुस्कुरा के, बोलो ये तो मुझे ठीक करेगी, ये तो मुझे पावर देगी, ये तो बीमारी घटाएगी अंदर से, उसको भी अमृत समझ के खाओ। देखो चार दिन में तुम ठीक और दवाई बंद। बांध देते हो अपने को ना कुछ चीजों से, ये करना ही है वो ठीक है, रोज केयरलेसनेस नहीं होगी, पर किसी दिन अगर आप अपने को हल्का करना चाहो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। क्यों अपने आप को एक बंधुआ मजदूर बना के चलते हो? आप लोग अपने को भी कभी कभी बंधुआ मजदूर बना देते हो, एक उस पे चल के ना एक ट्रैक पे, ये ऐसे करना ही है, ये ऐसे चलना ही है, जरूरी है कोई बात नहीं। आज मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह नहाने का, कोई बात नहीं स्पंज कर लो, आ जाओ आराम से, नहीं सत्संग जाना है जरूरी नहाना है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, रोज नहा के ही आते हो ना, आ जाओ एक दिन बिना नहाए, कोई बात नहीं, क्यों परेशान होते हो। अगर आप देखो ना, आपके परेशानियों के कारण कभी कभी ये भी हैं कि आपने अंदर से अपने को छोटी चीजों से बड़ा बांध रखा है। घर में कोई व्यक्ति है, उसका स्वभाव है, अब ज्यों सुबह से उठ के उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करना है, रात तक देना है, अब इसने ये नहीं किया, अब एक सेंटेंस हमारे मुंह से नहीं निकलता जिसमें अगले की बात ना हो। अब ये प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट की हुई है ना बगैर मतलब की, रोज ध्यान क्यों देना उस तरफ, कुछ इत्तफाक भी हो सकते हैं, चलो कुछ अगले का स्वभाव भी हो सकता है, पर रोज उसके स्वभाव की तरफ देखने की जरूरत क्या है, ऐसे ही टेंशन क्रिएट किए रहते हैं, अपनी हंसी गुम, कोड़ 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 अंदर पूरा टाइम कोड़ते हो, समझ गए ना उसका स्वभाव है। अब आपको पता है करेला है तो कड़वा ही है, फिर रोज कहने की क्या जरूरत है, ये तो भाई कड़वा ही है भाई, जितना मर्जी इसको अच्छा बना लो ये तो कड़वा ही बनेगा। अब करेले ले भी आए और बैठे एक एक करेले के साथ गाना गा रहे हो, एक व्यक्ति का नेचर मालूम है, ठीक है स्टॉप इट, क्यों सारा दिन वही चर्चा है। मैं कहीं जाऊं उसको तो पहले जाना है, उसने ये काम तो करना ही नहीं है, उसको तो अपना ही सुख चाहिए, आपको मालूम है ना उसका यही नेचर है, आंखें बंद मुंह बंद चिंतन बंद, कथा करने की क्या जरूरत है, ये आपका डिप्रेशन बन जाएगा थोड़े दिन बाद, क्योंकि रात को भी नींद में भी आएगा, वो आता ही होगा, अभी भी आता होगा, खाली बैठे हो दोपहर को लेट जाओ, वो अगला दिमाग में, मतलब भगवान तो निकल गया अगला दिमाग में घूमे जा रहा है बगैर मतलब के। अपने को रिलैक्स रखना सीखो हर स्थिति में, इट्स ओके कोई बात नहीं, हमारा ही कोई कर्म का हिसाब होगा, क्या हुआ कौन बड़ी बात है, क्या पता आप करके आए हो तो आपके सामने आ रहा है, अब फिर कर्म बना रहे हो फिर आओगे उसके साथ, ये जन्म तो दुखी हो और जन्मों की गांठ बांध रहे हो अगले से,
बस बोलो भगवान मेरे को ताकत दो, मैं नजरअंदाज करूं। अपने में मस्त होना सीखना, यही तो ज्ञान की आर्ट। दुनिया तो ज्यों की त्यों चलेगी भाई, चलने दियो, हमें क्या क्या दिक्कत है। मैं भगवान को डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं आता था, अगर एक दिन उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाए इतने बच्चों की तरह खुश हो जाते थे कि मुझे नहीं जाना। उनको पसंद ही नहीं था डॉक्टर के पास जाना, दवाई इंजेक्शन बिल्कुल उनकी फितरत से बाहर था ये सामान। लास्ट में भी जब हॉस्पिटल गए हैं, बैठे अपना टीवी देखे जा रहे हैं आराम से। अब कोई ये हिम्मत नहीं कर पा रहा था कहने की चलिए अपॉइंटमेंट है। बड़ी मुश्किल से एक लड़की ने उठ के थोड़ा सा रिमोट लिया हाथ से, टीवी बंद किया, तो दूसरे ने बोला चलिए हॉस्पिटल जाना है। वो अपना ऐसे टीवी देख रहे थे जैसे मुझे कहीं जाना ही नहीं। बच्चा होता है ना, उसको पता हो मेरे को सुई लगवाने ले जाएंगे, तो जानबूझ के और कामों में मस्त हो जाता है। वो खुश हो जाते थे, अच्छा हुआ आज भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, अच्छा हुआ आज भी दवाई नहीं खानी है। उनका ध्यान रखना पड़ता था, गोली उनके सिराने रखनी पड़ती थी डिब्बी में डाल के कि आपको खानी है, ये लंच के बाद खाइएगा। इतना मस्त रहते थे। जीने की इच्छा ये फिर दुख से बीमारी से भी परेशान कर देती है। जीने की भी इच्छा क्या है भाई, भगवान जब तक चला रहे चलेगा, ऐसी क्या बात है। कुछ भी नहीं होगा अप डाउन होने से, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ा है। अब डॉक्टर ने बोला तुम आंख में 4 बार दवा डालना, डालो उसको 4 बार, पर एक दिन भूल गए 3 बार डली, रात को टेंशन मत लो, हाय आज तो मैंने एक टाइम दवाई कम डाली। ज्ञान से थोड़ा बेपरवाही आनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें ना टके वाली, हंसी बहुत छीन रही हैं आपकी, हंसते ही नहीं हो, रिलैक्स ही नहीं होते हो। डिसिप्लिन अच्छी चीज है, पर ओवर डिसिप्लिन भी कभी कभी अजीब हो जाता है हिसाब किताब। डिसिप्लिन अच्छा है, आप कहना मानो डॉक्टर का, रोज डाइट वैसी खाओ, पर एक दिन अगर मन कर रहा है इतना सा खा लो, कुछ नहीं होता। रोज परहेज कर रहे हो, मीठा नहीं खाते हो, एक दिन मन कर रहा है अगर आधा रसगुल्ला या आधा गुलाब जामुन खा लोगे, कुछ भी नहीं होगा, विश्वास रखो। ऐसी क्या बात है, 2 महीने में अगर इतना सा खा लोगे कितना नेगेटिव कर देगा वो तुम्हें। मन कर रहा है ना खा लो थोड़ा सा, कुछ नहीं होता। मन कर रहा है ना किस दिन मीठी चाय पीनी, 2 सिप ले लो, अपनी फीकी पी लो, 2 सिप मीठी पी लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन किसी भी चीज को अपनी जान का दुश्मन मत बना लो कि हमें चिपक जाना है एक चीज को, एक डर्रे पे चलना है। बेपरवाही से जब तक नहीं जियोगे मजा नहीं आएगा। संत कौन होते थे, बेपरवाह। रामतीर्थ क्यों गया घर से, बेपरवाही के लिए निकल गया जंगलों में, कभी नहाया कभी खाया, कहां पेड़ के नीचे बैठा, कोई टेंशन नहीं, बेपरवाह बादशाह। हम क्या करते हैं, हर चीज के साथ ही जुड़े रहते हैं। नहीं, चीजें हमारे साथ जुड़े ठीक है, हम जुड़ते हैं हर चीज से और टेंशन लेते रहते हैं सारा दिन। ये नहीं हुआ, एक लिखो पेज पे जो जो काम पेंडिंग रह गए, हाय हुआ नहीं, हाय हुआ नहीं, हाय हुआ नहीं। जो लड़का बोल रहे मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ गई, मैंने कहा हुआ क्या, काम की टेंशन। चल उम्र नहीं, 20 साल की 22 साल की इतनी टेंशन है बिजनेस की। मैंने कहा बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, कौन रो रहा है तेरा, रो भी कोई नहीं रहा। पर लत अजीब चीज है हर चीज की, इतना प्रॉफिट आना चाहिए, घाटा हो रहा है नहीं, पर अगर प्रॉफिट मुझे 2 लाख रुपए निकलता था, 1.5 या 2.5 हो गया इस टेंशन में, दिल की धड़कन बढ़ा ली। क्यों चिपके फिर रहे हो भाई दुनिया को इतना ज्यादा, समझ ये नहीं आता क्यों चिपके हुए। साथ जाएगा नहीं चालस तेरे साथ धना, अरे तो क्यों लिपटा है मूर्ख मना। सारी नेगेटिव सोच आपकी हंसी उड़ा ले गई है, अदरवाइज आप तो आनंद स्वरूप हो, हर समय मुस्कुराओ, हर समय आनंद में रहो।
कोई दिक्कत है ही नहीं। कभी बैठ के अंतर्मुख होके देखो, तुझे पता चलेगा तेरे पास दुखी होने का कारण नहीं है, पर तू गलत ख्याल कर करके अपने को दुखी बनाता रहता है। हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हो। वो बाप बच्चों का परेशान रहता था सारा दिन, बिजनेस और बातों से बहुत दुखी रहता था। तो बच्चों ने सोचा क्या करें, डॉक्टर बोलता है ऐसे करो, अपने पिताजी को घुमाने ले जाओ कहीं, ये घूमने जाएंगे, खुश होएंगे, तो इनको बड़ा मज़ा आएगा और चेंज हो जाएगा इनका, ठीक हो जाएंगे। बच्चों ने सोचा कहाँ जाएं, हिल स्टेशन चलते हैं, ट्रेन पकड़ी भाई, नैनीताल जाएंगे, काठगोदाम तक जाएं, वहाँ से टैक्सी लेंगे। काठगोदाम उतरे, वहाँ सामने काठ ही काठ लकड़ियों के, पिताजी उतर के बेंच पे बैठ गए, ऐसे बैठ गया सोचने क्या हुआ। कहते हैं यहाँ इतना बिजनेस है लकड़ी का, अगर हम लोग भी यहाँ पर व्यापार शुरू करें बड़ा मुनाफा होगा। बच्चों ने सिर पीट लिया, बोला लाए थे इसका चेंज कराने, फिर यहाँ बिजनेस, फिर टैक्सी करी ले गए, होटल में ले गए, बड़ा अच्छा होटल था, बड़ी रश लगी पड़ी थी, फिर पिताजी ऐसे बैठे क्या हुआ, अगर हम यहाँ भी एक होटल खोल लें तो। बच्चों ने टैक्सी की, सीधा वापस ले आए, बोला यही टेंशन ही करनी है तो घर चल के करो फिर, ये है स्वभाव। आप हर चीज के साथ अपने को चिपकाए पड़े हो, रिलैक्स ही नहीं होते हो अंदर से। खुश होना आपके हाथ में, दादा कहते हैं इट्स नेचुरल एंड नॉट ए मिरेकल टू बी हैप्पी, बट योर थिंकिंग हैज मेड इट अननेचुरल। तुम्हारे स्वभाव ने अननेचुरल बना दिया। ज्ञानी हर चीज से मजा लेता है, तुम सामने आ जाओ, तुमसे बात करके खुश होएगा, अकेला बैठा अपने लिखने पढ़ने से खुश होएगा, बाजार जाएगा तो वहां भी खुश होएगा, सड़के नहीं आएगा वहां से, मिथ्या क्या हो गया, मिथ्या है तो देखने में क्या नुकसान है, आसक्ति नहीं जा रही, फंसे नहीं जा रहे, दुखी होके क्यों आए, वहां से भी सुखी होके आते हैं, खुश होके आते हैं, क्या परेशानी है। हर चीज एंजॉय करो, जहां बैठो अपने आप को खुश करो, किसी बात से माइंड पे प्रेशर मत बनाओ। आप लोग हर चीज से ना प्रेशर में आ जाते हो, कोई आपको इतना ही कह दे मेरे साथ बाजार चल, अरे तुम्हें नहीं जाना कह दो नहीं जाना, मुझे नहीं है मन तो कह दो मन नहीं है, नहीं है टाइम तो कह दो टाइम नहीं है, तुम्हें फिर वो क्या सोचेगा, फिर वो कहेगा अच्छा मेरे लिए ही टाइम नहीं है, क्यों सोच रहे हो इतना सारा। खुशी से करो जो करना है, और नहीं करने का मन कर रहा है इट्स ओके, क्या परेशानी। अपने आप को ढीला छोड़ना सीखो, ये लिहाज लोक लिहाज ये बड़ी बुरी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपका समय चोरी होता है। जब चिंतन आएगा समय चोरी होगा, फिर दिमाग लगाओगे, युक्तियां ढूंढोगे, इससे अच्छा स्पष्टवादी बनो, नो तो नो, कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा, नहीं बन पा रहा, इट्स ओके, बस बैठ जाओ आराम से। इतनी देर भी आत्म चिंतन से, भगवत चिंतन से दूर होने की क्या जरूरत। और हैं ये टके टके वाले ख्याल जो आके ना बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट कर जाते हैं, मक्खियां कितनी बड़ी हैं, पर अगर एक मक्खी भी आपके कमरे में हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कितना दुखी होते। शेर जंगल का राजा, कोई उसको तंग नहीं कर सकता, मक्खी उसकी गजगोर से भी नहीं डरती, बोलता रहे, पता नहीं बहरी होती है जाने क्या होती है, वो बेचारा गुराता रहता है, और वो मक्खी अपना कभी यहाँ छेड़ कभी यहाँ छेड़, कभी पूंछ से मारता है कभी हाथ पैर मारता है। आप कौन हो, इस जहान द्वीप के शहंशाह हो तुम, कम थोड़ी हो, इस जहान द्वीप के शहंशाह हो, और दुखी किससे हो,
मक्खियों से, छोटे छोटे ख्याल इधर से आए उधर से आए, और पता है अब ये परवाह क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि ये तोते तुम्हारे ही पाले हुए हैं, आते डाली हैं, अब ये सारे तोते एक ही बार शूट कर दो, खत्म करो बैठ के। प्यार सबसे रखो, लिहाज किसी का करने की आवश्यकता नहीं है, लिहाज मारता है लिहाज चिंतन देता है, लिहाज ना हो तो चिंतन ना आए, पर जिसका लिहाज है, और लिहाज क्यों है, सोचा है लिहाज क्यों है, फिर अच्छे बनने के लिए, अच्छे क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि तुम हो, तुम क्यों हो, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं अपने को नाम रूप से जान रहे हो। चलो पीछे पूरा रीबैक, रियलाइजेशन मींस रीबैक, चलो पीछे, फिर पता चलेगा मेरा ये जो अच्छा कहलाने का स्वभाव, अच्छाइयां कर कर आयो, अच्छे बन के आयो, लोगों ने हमेशा अप्रिशिएट किया, पर अब गुरु मिलेगा ना तो चौराहे पे बैठ के, संत बोलता है उसको जज को, चौराहे पे बैठ के मेरे साथ शराब पी, क्यों, निंदो निंदो लोको मोको निंदो, निंदा करवानी बड़ी औखी है, बड़ी औखी है निंदा, प्रशंसा भी नहीं चाहिए आपको, लेकिन निंदा भी तो नहीं चाहिए, और जब आप कहते हो निंदा नहीं चाहिए, मतलब प्रशंसा ही चाहिए, आप कहते हो मुझे चाय नहीं चाहिए, इसका मतलब ठंडा चाहिए, एफर्मेटिव और नेगेटिव नहीं पढ़ते थे, हमारा मन होशियार हो गया, अब ये सेंटेंस ऐसे बनाता है, नेगेटिव में तो सीधा नो आता था, पर एफर्मेटिव ऐसा लिखना है जिसमें नो भी ना आए और बात भी कह ली जाए, अब ये मन बन गया ऐसे आना, नहीं हम कसम खा के कह रहे हैं प्रशंसा नहीं चाहिए, तो इसका एफर्मेटिव लिखो, निंदा नहीं चाहिए, सीधी बात है, अगर आप कह रहे हो सच में मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, लेकिन निंदा भी तो नहीं चाहिए, और निंदा होएगी, अब ये लिहाज भी आपको बहुत टाइम खराब करते हैं, क्योंकि फिर जिनका लिहाज है उनके लिए सोचते हो उनको ना कैसे करूं, कोई युक्ति लगाऊं, ऐसा करूं, वो ना बुरा भी ना माने, वो अंडरस्टैंड भी अंदर से कर जाएं, और मेरे पे नाम भी ना आए, और मैं जो चाहता हूं मैं वो कर भी लूं, अभी कितना बड़ा वो घोटाला है भाई अंदर, क्यों समय खराब कर रहे हो इसमें, समय जा रहा है, कर्म बन रहा है, उलझन हो रही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपना निश्चय रखो, ज्ञानी माना जो सेल्फ डिसीजन लेके चल सकता है, सेल्फ डिसीजन, आज मान लो किसी के घर शादी ब्याह कुछ होता है, अगला बहुत जोर करता है आना 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 आना, कई बार तो कई लोग बिल्कुल यहां तक चढ़ाते, तो भी किसी के लिहाज में ज्ञानी कहीं नहीं जाता, हाँ अपने अंदर संकल्प हो गया, प्यार आ गया, भाव आ गया, मौज आ गई, इट्स ओके, ना तो किसी का बाप का कर्जा थोड़ी देना, किसी को यह भी जवाब दे दिया जाता है, लोग लड़का घोड़ी नहीं चढ़ेगा, बोल देते हैं मत चढ़ाना घोड़ी, यहीं ले आओ वैरागी बना देंगे, ना चढ़ा, ये भी जवाब दे दिया जाता है, और कहीं कोई एक बार ही कहता है, पता नहीं कोई भाव होता है खींचता है अंदर से, पांव चल भी पड़ते हैं, निराकार घोड़े भी मोड़ देता है, लेकिन लिहाज ज्ञानी के अंदर टके का भी नहीं है किसी के लिए, किसी के लिए भी, ये तो कभी कभी कोई पूछता है ना, फिर आप जा रहे हैं फिर ऐसे कर, तो हम कहते हैं हाँ हाँ मजबूरी है, मजबूरी कभी हो ही नहीं सकती ज्ञानी को, उसने जो करना है अपनी प्रसन्नता से करना, ये तो जो आसपास मंत्री संतरी रहते हैं ना, इनको सेटिस्फाई करने के, हाँ हाँ मजबूरी है, फिर अगला बढ़ रहा है, फिर उसका मन चलेगा, फिर उसका घर, हमको इन बहानों की परवाह है क्या किसी की, पर इनके मन बुद्धि सेटिस्फाई कर देते हैं, जा रहे हैं तो हम अपनी मौत से, क्योंकि हमको संकल्प हो गया, लहर आ गई अंदर से, अब जब कोई ये नहीं समझ रहा मुझे, तो उसको हम परिभाषा समझा देते हैं दो चार बातें कह के,
सच्चाई तो यही है, हम अपनी मौत से जा रहे हैं, हमें कौन उठा ले जाएगा और हमें कौन रोक लेगा? कोई रोक नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता। सेल्फ डिसीजन होता है ज्ञानी का, बेपरवाह बादशाह है वो। सारा समय परवाहों में पड़ेगा अगर, तो अंदर का प्रवाह ही खत्म हो जाएगा आनंद का। जो संसार की परवाह करेगा उसके अंदर आनंद का प्रवाह रहेगा? नहीं रहेगा, छोड़ दो। दादा ने जब एक गिलास पानी के लिए भी अपने को फ्री कर लिया, पानी भी ध्यान रखते थे सारे, दादा को 2 घंटे हो गए भाई पानी पिलाओ, दादा ने पानी मांगना भी बंद कर दिया, और इतनी भी टेंशन नहीं करता था, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने ऐसा नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया अपने को फ्री। अभी बाल बच्चे हैं, तुम्हारा घर ग्रस्त है, अच्छा चलो सब तुम्हारी केयर करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, छोड़ दो अपने को, ये भी टेंशन मत करो, मैंने डॉक्टर के जाना है, मेरी दवा नहीं आई, मेरा ये नहीं हुआ, मैं छोड़ दो, आज कम यही होगा, कोई बात नहीं, खा लो, उल्टी हो जाए फिर क्या होगा, हो जाता है कभी ऊपर नीचे, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स रहो, बचपन से पढ़ते आए हो, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कोई पूछ ले तुम्हें, डॉक्टर के पास नहीं गए तुमको बुखार है, उसको प्रॉब्लम सुना दो, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये मत को हाँ छुट्टी नहीं थी, बहू भी चली गई, बेटा भी चला गया, गाड़ी नहीं थी, कोई ले जाने वाला नहीं था, क्रोसिन खाई है, इतनी कथा करने की क्या जरूरत है, मन कितना कमजोर पड़ जाएगा। ये कहेगा हाय मेरी कोई करने वाला नहीं, हाय मैं बीमार, हाय मैं दुखी, है ना। पर अपने को चढ़ा हुआ क्यों नहीं विचार देते, चढ़े हुए विचार दो ना। दादा कहते हैं मैं अपने को ऑटो सजेशन ऐसे देता हूं जो मैं पूरा समय रिलैक्स रहता हूं। अच्छा ऑटो सजेशन दो अपने को, खुश रहना तो तुम्हारे स्वभाव में शामिल है, बाहर से तो आनी नहीं है कोई खुशी, तू मेरे को खुश कर, तू मेरे को खुश कर, फिर इच्छा हो गई, यही दुख का कारण है। मन जब सारी इच्छाओं से खाली है तो खुशी है, मौज है क्या, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, बना लेते हैं। अब किसी बात को ले जाओ गहरे में, कल कह रहे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, क्या करेगा साइकेट्रिस्ट, काउंसलिंग करेगा या गोली देगा, और हमारे जैसी काउंसलिंग फिर भी ना करेगा, हाँ हमारे जैसी काउंसलिंग करके दिखाए, नहीं कर सकता उसको, इतनी बातें करनी नहीं आती, वो आ जाए यहां पे उल्टा सीख जाएगा काउंसलिंग करने। साइकेट्रिस्ट को गुरु जैसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तुम उसके पास जाएंगे क्या करेगा, समझाएगा वो भी, और क्या करेगा, तो तुम खुद ही समझ जाओ, किसी भी बात का चिंतन करने की क्या जरूरत है। मैंने सोचा आज दुकान बिक जाएगी, अच्छा ना बिकी, हुक्म है, अच्छे के लिए हुआ, किसी गलत आदमी के पास जा रही होगी, धोखेबाज होगा, पता नहीं भगवान ने किस विपत्ति से बचाया, खुश रहो। ऐसी ऐसी फालतू की बातों से तो अपने मन को परेशान करते, भलाई क्यों नहीं ढूंढते उसी समय। अगर तुम्हें एक भलाई ढूंढने की अक्ल आ जाए, काम बना हुआ है तुम्हारा, कहां है परेशानी। पर जब तुम भलाई नहीं ढूंढ रहे हो तो परेशान हो रहे हो, हर बात अच्छे के लिए है। हाँ मेरे को डॉक्टर के जाना था, दुकान पे कोई था ही नहीं, तो क्या हुआ, कल चले जाना, हो सकता आज एक्सीडेंट होने वाला हो, भगवान ने बचाया, कुछ भी तो पॉसिबल है। एक बार बॉम्बे से गुरु लोग आने वाले थे, कहीं जाना था उन्होंने, कलकत्ता जा रहे थे शायद, तो स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन रद्द हो गई, अटैचियां उठा के वापिस घर, सोफे पे ज्यो हंसे जोर जोर से बैठ के, भाई पहली बार एक्सपीरियंस हुआ, वो उसमें भी अपना अनुभव कर रहे हैं बैठ के। और किसी ने पूछा आपको लगा नहीं, 3-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं, महीने भर का टूर था, सारा सामान उठाया, खाना उठाया, स्टेशन गए, वहां बॉम्बे में तो मुसीबत, स्टेशन पहुंचना भी आसान नहीं,
दो दो घंटे रास्ते में लग जाते हैं, आपको लगा कुछ नहीं, बोले हमको लग रहा है मता इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला हो, पता नहीं हमारे सदके कितने बच गए। भगवान ने जो गाड़ी रोक ली है, कोई रास तो है ना, रहस्य तो है। अब देखो, अगर हंस के उड़ा दो हर बात को, आज ये नहीं हुआ, हंसो जोर से, वेरी गुड, भगवान की भलाई है, क्या परेशानी है इसमें। उस दिन एक माई बोलती है, ऑपरेशन करवाने गई थी, हुआ ही नहीं, बीपी ऐसे हो गया, डॉक्टर ने वापस भेज दिया, 8 दिन बाद बुलाया, इनका अच्छा हो गया। अच्छा कैसे हो गया? हो सकता है आज डॉक्टर का दिमाग ठीक ना हो, बीवी से लड़के आया हो, कोई कैंची छोड़ देता अंदर, कुछ और कर देता, भला ये आज नहीं हुआ ऑपरेशन, मता तू मरने वाली होती, मता तेरी बीमारी बढ़ जाती, मता ऑपरेशन ठीक ना होता। गॉड कैन डू नो रॉन्ग, तुम भलाई ढूंढो हर बात में, खुश रहो, लिव हैप्पीली। एक तुम्हें ही तो हंसने का हक दिया है भगवान ने, कुत्ता सकता है, बहुत खुश हो पूछे ला लेगा वो, चुहा सकता है, पक्षी हंस, सिर्फ एक इंसान को हंसने का अधिकार है, सिर्फ एक इंसान को, और वो भी सारा दिन टके टके की बातों की वजह से हंसने को तैयारी नहीं। दादा बोलते थे, हंसने में कोई खर्चा होवे तो मेरे से ले जाओ, पर हंसा करो। वो तो बोलते थे, क्रोध भी करो मुस्कुरा के करो। अब मुस्कुरा के क्रोध कैसे करोगे? भगवान करते थे कभी कभी स्टेज पे, कोई कुछ गड़बड़ कर दे, कोई ऐसे हंसते हंसते, हाँ रन तुम ऐसे ही करना, सीखना मत कुछ। हम कहते थे, ये तो आपको आता है हंस हंस के क्रोध करना, स्टेज पे कुछ रखने चले जाओ, कभी माइक रखने चले जाओ, नजर तो आएगा नहीं ना तुम लोगों को, अंधे हो सब, सत्संग के बाद चलो तुम लोग घर। हंस हंस के बोलते थे, लोग सोचते थे पता नहीं इनको क्या कह रहे हैं, और कई बार एक आध बार तो किसी ने पूछ भी लिया, ऊपर गुरुजी तो हंस रहे थे, आप क्यों मुंह ऐसे बना के उतरे? मैंने कहा जा सुन ले तू भी क्या कह रहे थे वो। तो क्रोध भी मुस्कुरा के करो, क्या दिक्कत है, खुश रहो हर बात में, बुझे हुए दिए की कोई जिंदगी नहीं है। लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ विद यू, बट इफ यू वीप यू वीप अलोन। रोते हुए को सब कोने में छोड़ देते हैं, रोले कोई मेरे पास भी आता है ना, ज्यादा रोने लगता है, फिर लोग बोलते पानी में, बोलते रो लेने दो और बात करो, कोई और है बात करने वाला उसको बुला लो, ये रोले कितनी देर रोएगा, पर जब ये चुप हो जाएगा बात कर लेंगे। और कोई हंस रहा हो तो हम कहते हैं हंसो हमारे साथ थोड़ी देर और बैठो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा बैठना, तुम हंस रहे हो, बात कर रहे हो, हमको बहुत खुशी हो रही है। तो मजा तो इसी में है, आज का क्षण आनंद लो ना, अभी का क्षण, पर कल किसने देखी, हम होंगे नहीं होंगे, आज तो हंस हंस के गुजारे जिंदगी, खुश रह के गुजारे, क्योंकि बड़ी कृपा है भगवान की, हमारे पास दुख का कोई कारण ही नहीं है। और अगर तुम जिनको कारण कह रहे हो तो वो तो ताले ऐसे हैं जिनकी चाबियां भगवान के पास, भगवान आप पे उनके खोल देगा ताले, प्रारब्ध बनी हुई है, इसमें मुझे अपने को उन हालतों से जोड़ के दुखी रहने की क्या जरूरत। अष्टावक्र मुनि से सीखो, राजा जनक की सभा में सब उन पे हंस पड़े, मुनि भी हंस पड़े। अब हुआ शर्मिंदा राजा, साईं आप क्यों हंसे? बोला तुम क्यों हंसे? हम आपका शरीर देख के हंसे। बोला मैं इसलिए हंसा, तेरे समेत सारी सभा चमारों से भरी हुई है। वहीं से ज्ञान शुरू कर दिया कि किनारा टेढ़ा है, नदी टेढ़ी नहीं, गन्ना टेढ़ा है, रस टेढ़ा नहीं, मंदिर टेढ़ा है, आकाश टेढ़ा नहीं। वहीं से ज्ञान शुरू कर दिया। कोई उन्होंने बुरा नहीं मान लिया, बेइज्जती नहीं महसूस कर ली, वो अपना हंसे। और तुम लोग कभी कभी हंसते हो, देखा, हंसना तुम्हें हर पल चाहिए और तुम कभी कभी हंसते हो, और वो भी सोच के, होंठ कितने सेंटीमीटर खोलने हैं, आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, खिलखिला के हंसने में तुम्हें फुहड़ता लगती है,
है, हम जोर से हंसे, लोग क्या कहें। कई लोग देखो कई दिन से खिलखिला के हंसे ही नहीं होंगे, हो कुछ लोग ऐसे के नहीं हो, हो ना, कभी खिलखिला के नहीं हंसे होंगे, कई कई महीने बीत गए होंगे, ताली बजाई हो, जोर से ठाका लगाया हो, जोर से आवाज आई हो तेरे हंसने की, नहीं। कई लोगों के हंसने में आवाज ही नहीं होती, देखा हंसते हैं बस ऐसे लगे मुंह तो खुला हुआ है, आवाज ही नहीं निकल रही अंदर से, हंसते ही नहीं है जोर से। अरे जोर से हंसो, खुश हो जाओ, माइल्स ऑफ माइल्स यू स्माइल, क्यों नहीं हंसते? दांत पीले हैं तो साफ करवा लो, दांत टूटे हैं तो सेट लगवा लो, लेकिन हंसो तो सही ना। ना हंसने का क्या कारण है बताओ? सुबह सुबह उठो मुस्कुराता चेहरा लेके, सुबह सुबह हाय तौबा से उठते हो, हाय देर हो गई, हाय इतना बज गया, सुबह सुबह किसी के मत्थे लगते हो, बच्चों को भी जगाते हो, मुस्कुरा के जगाओ प्यार से, सुबह सुबह सब तुम्हारा ऐसा चेहरा देखते हैं अगलों के अंदर ही थरथराहट घबराहट आ जाए कि पता नहीं क्या हो गया। इसीलिए मैंने बोला पहला सबक है हंसना। जो व्यक्ति हंसना नहीं सीखेगा उसको ज्ञान कभी नहीं आएगा। जो प्रसन्नचित नहीं है मना शिकायतें लेके बैठा है, राग द्वेष लेके बैठा है, तो जब तक वो हटाएगा नहीं ज्ञान कैसे अंदर जाए। भाई एक पतीले में तुमने दूध लेना है, पहले ही पतीला पानी से भरा हुआ है, खाली करोगे तो दूध लोगे ना उसमें, कैसे लोगे दूध बताओ? अंतःकरण को खाली करो, और जितना किसी का अंतःकरण खाली होता है उतनी उसकी हंसी में भी गूंज होती है। संत तो फक्कड़ मस्त फकीर, लाफिंग सेंट्स, तीन लाफिंग सेंट्स थे बड़े मशहूर, सारे उनको बोलते थे लाफिंग सेंट्स, क्योंकि सारा दिन खिलखिला के हंसते थे, कोई ना कोई बात करके जोर जोर से हंसते रहते थे। अब ज्ञानी मिलेंगे तो क्या करें, ज्ञान तो क्या सिखाए एक दूसरे को, सब पूर्ण थे, हंसते थे खूब जोर जोर से, लोग कहते थे हाँ कोई गृहस्थी नहीं, लेना नहीं देना नहीं, हंसेंगे ही कोई हालत जो नहीं है। एक दिन पता चला उनमें से एक संत मर गया, अब लोगों ने सलाह बनाई अब चल के उन दो संतों को देखें क्या स्थिति है। खैर गए, संतों के चेहरे तो प्रसन्नता वाले, ले चलो भाई इसको शमशान, ले गए, ज्यों अग्नि दी गई वो आतिशबाजी हुई, वो अपने शरीर पे पटाखे बांध के गया था, बोला मेरे शरीर पे पटाखे बांध देना, और वहां शमशान घाट में ही हंसी गूंजने लगी जोर जोर से, पहली बार किसी ने देखा था मुर्दे के साथ आतिशबाजी हो रही है, सब हंसे जोर जोर से। तो तब संतों ने उपदेश दिया, बोला ज्ञानी का जीना भी हवन मरना भी हवन, वो जीते भी हैं यक कर करके सबको खुश कर करके, और शरीर भी छोड़ दिया अगर वो जाती बार भी हंसी दे के गया, इसीलिए लाफिंग सेंट्स हैं वो, तुम भी बन जाओ लाफिंग सेंट्स, एवर स्माइलिंग, हमेशा खुश रहो। क्या गया तेरा, क्या बिगड़ा? रोज अपने मन को दिन में 100 बार भी याद दिलाओ तेरी जैसी अच्छी प्रारब्ध किसी की नहीं है, अरे तुम तो राजाओं की तरह रह रहे हो, अरे तुम्हारे को तो सब इतना प्यार कर रहे हैं, सब तेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, सब तुझे इतनी खुशी दे रहे हैं। रोज अपने आप को ऐसी बातें याद दिलाओ, रोज दिखाओ अपने को तू लाखों से कितना अच्छा है, रोज दिखाओ तेरी जिंदगी कितनी अच्छी बीत रही है, और बल्कि प्रारब्ध पता नहीं इतनी अच्छी थी या नहीं थी, पर गुरु के सदके इतनी अच्छी जीवन जी रहे हो। गीता भगवान बोलते थे मैं तो रोज अपने को कहती हूं मैं महारानियों से कम नहीं हूं। उनके पास एक आती थी बड़ी रिच लेडी, हीरे के हार पहन के आती थी, गीता भगवान कहते थे मैं जब उसको देखती हूं, कमला नाम था शायद उसका, बोले जब मैं उसको देखती हूं ना तो मुझे अपने पे फक्र होता है,
कि इतनी करोड़पति को भी मेरी शरण आना पड़ता है, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मेरे गुरु ने मुझे क्या बना दिया है। अब देखो ना विचार है। हालांकि शरीर बीमार हुआ तो उनको अपने कंगन तक भी बेचने पड़ गए थे बीमारी में, लेकिन फिर भी कहते हैं मेरे जैसी प्रारब्ध किसी की नहीं। कितने शुक्राने लिखे उन्होंने बैठ के, इस चीज का भी शुक्राना, इस चीज का, घर के लोगों का शुक्राना, अच्छा जहां ससुराल में इतने लोग विपरीत उनका शुक्राना, एक एक हालत का शुक्राना। तुम भी बैठ के अगर रोज शुक्राने लिखो, कितने बड़े बड़े ग्रंथ बन जाएंगे, इतने शुक्राने, इतने। लेकिन हम अच्छी चीज देखते नहीं, एक दो कमियां पकड़ ली, बुराइयां पकड़ ली, उसका गाना गाना शुरू कर दिया। कौन सी बड़ी बात है भाई। अब ओल्ड एज आएगी, शरीर भी थोड़ा रहता है अप डाउन, एक से एक बीमारी बढ़ जाती है, कोई बात नहीं, किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो जाता है, तो भाई अब गाड़ी पुरानी हो गई है तो ऐसे ही चलेगी, दर्जी कब तक सीवेगा। हम लोग एक भजन गाते थे, फटिया चोला होया पुराना, दर्जी कब तक सीवेगा। अब ये चोला तो पुराना हो गया है, फटता है जगह जगह से, दर्जी भी कब तक सीएगा, मैंने डॉक्टर भी कब तक इसको देखेगा। कुछ कुछ चीजों को फिर सहना ही पड़ता है। अच्छा कोई बात नहीं, उनके साथ चलने की आदत डाल लो। क्या हो गया फिर, आदत डाल लो उनके साथ चलने की, पर खुश तो रहो, ये शुक्राना मानो, इतने साल तो मैं ठीक था, अब कोई फेज आ गया ना थोड़ा दुख का, परिस्थितियों का, दिस विल ऑल्सो पास अवे। और जैसे वो पीते ना सिगरेट और वो कश लगा के धुआं उड़ा देते हैं, तुम भी ऐसे हर हालत को धुएं की तरह उड़ा दो आकाश में, कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा, और गुजर ही तो रहा है। शायद लोगों का ये समय अकेले में, दुख में, अस्पताल में गुजरता, मेरा तो ये समय भी प्यारों के बीच, भगवान की मेहर नजर के बीच, रोज उनके सत्संग सुन के, रोज उनकी कृपा का अनुभव करके, मेरा तो ये समय भी कितना प्यारा बीत रहा है। सोचो ना, अगर हम अकेले हों, अस्पताल में पड़े हों, सारा दिन आंखें छत से लगा के बीमारी का, दुख का चिंतन करें, क्योंकि बीमारी से ज्यादा ये ख्याल तंग करता है कि मैं बीमार हूं, और दवाई से ज्यादा ये विचार काम करता है, जैसे दादाजी बोलते थे, आई एम बेटर देन यू, सबसे अच्छा हूं, सबसे ठीक हूं, सबसे ज्यादा स्वस्थ हूं। पावर आ जाता है अपने अंदर, हमेशा अपने को चढ़े हुए विचार दो, गिरे हुए विचार नहीं, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। दादी पुनवानी को रात को उठी वॉशरूम जाने के लिए, शरीर है, बुजुर्ग अवस्था थी, ऊपर अकेली सोती थी, गिर गई, हड्डी टूट गई टांग की, चार घंटे पड़ी रही बच्चों को पता नहीं, बारह एक बजे से गिरी, ये तो सवेरे बहू चाय देने आई तो उसने देखा, ये तो नीचे गिरी पड़ी, हड्डी टूट गई है, फिर भी शिकायत नहीं की, मैं चार घंटे पड़ी थी, वाह गुरु वाह गुरु वाह वाह। फिर आ गई, प्लास्टर व्लास्टर लगवा के, सत्संग जाना तो बंद हो गया, कोई भी चला जाए, वाह गुरु वाह गुरु, वो ट्रंक पड़ा है मेरी कापी निकाल लाओ, तुमको गीता भगवान की चिट्ठी सुनाती हूं, वहां बैठ के सत्संग किया। एक दिन उसने हाई नहीं की कि मेरे को कोई दुख भी है, अरे मैं तो रोज सत्संग जाती थी, बोले भी सत्संग मेरे पास आ गया, सब आ जाते हैं पता करने में, सबको सत्संग सुनाना, गला बहुत अच्छा था, भजन बड़े अच्छे गाती थी, भजन सुनाना, सत्संग बताना, गीता भगवान की चिट्ठियां पढ़ के सुनाना, जो आया उसी को उल्टा खुश करके भेज दिया। तो ये थोड़ी एक ही परिस्थिति नहीं आई। तुलसी माता कैसे पलंग से पलंग हो गए,
बल्कि सत्संगी ने एक ने ऑफर किया, उनका बंगला था बड़ा, माता आप चलिए, उधर नीचे का कमरा है और कमरा बगीचे की तरफ खुलता है, बाथरूम अटैच है, आप मेरे घर चल के रहिए। कह रहे मुझे यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटा सा बंद कमरा, कोई बालकनी नहीं, कुछ नहीं, छोटी सी एक खिड़की, बाथरूम दूर, तो भी खुश, ऑफर आ रही है, कह रहे मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं है, तब तो चलूं ना, तकलीफ होवे, हमको तकलीफ है ही नहीं कोई। दादाजी 5 साल हाथ पैर टेढ़े हो गए, मक्खी नहीं उड़ा सकते थे अगर मुंह पे मक्खी आ जाए, उसके बावजूद भी आनंद में, लास्ट में तो शरीर कोमा में चला गया। 1 मिनट के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, होश में आए, और होश में आते ही कहते हैं मेरी हिम्मत देखो, मैं आता नहीं हूं जाता नहीं, फिर शरीर कोमा में चला गया, फिर तो कोमा में ही शरीर छोड़ दिया, पर थोड़ी देर को भी अगर जगे तो ज्ञान का निश्चय दमक रहा है। इतना जो ज्ञान निश्चय दमकना चाहिए, अपने को ऊंचे ऊंचे विचार दो, खुश होके बैठो, मस्त होके बैठो, बात ही नहीं करनी, शरीर की चिंतन ही नहीं करना, चर्चा ही नहीं करना, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, ब्रह्म स्वरूप हूं, बस अपने ब्रह्म स्वरूप की दमक उजागर करो, हंसो शरीर पर भी हंसो, मूर्खता में कर्म किए थे भैया आप भुगतो, क्या करूं, मन की मूर्खता पे भी हंसो, मन भी मूर्ख है, ये भी उल्टे सीधी बातें ले आता है, इसकी मूर्खताओं पे भी हंसो ताली बजा के, इसका भी मजाक उड़ा दो भाग जाएगा, बेइज्जती लगेगी ना भाग जाएगा, इसका भी मजाक उड़ाओ बैठ के, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बच्चे बन जाओ फिर से, बच्चा होता है ना कैसे खुश रहता है, कारण भी कोई नहीं, पड़ा पड़ा पलंग पे किलकारियां मारता रहता है, तुम ऐसे सारा दिन बोझे ढो रहे हो, ये ऐसे करता है वो ऐसे करता है, ये बुरा है ये अच्छा है, अब जो है भाई प्रारब्ध अनुसार है, ठीक है स्वीकार कर लो, क्या हो गया, जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार कर लो, सबके स्वभावों को स्वीकार कर लो, खुश तो रहो कम से कम, वैसे सारा दिन आईना रखोगे उसमें पर्स में, लिपस्टिक भी रखोगे, लिपस्टिक ना खराब हो, जब होठ ही सुकड़े पड़े लिपस्टिक क्या करेगी, हाँ बिना लिपस्टिक लगे होठ भी अगर खिले हुए हैं बहुत सुंदर हैं, वो भगवान कृष्ण को लिपस्टिक लगाते थे, गोपियां रीझ गईं, कितने प्यारे तेरे अधर हैं, और अधरामृत पला मना, इन होठों से कुछ निकले, वचन निकले, कोई ज्ञान निकले, हम अधरामृत पिए, एक्सेप्ट करना सीखो, और ये देखो मैं जहां जहां उलझ रहा हूं मेरी इच्छा, मैं जहां जहां निराश हो रहा हूं मेरी इच्छा, मैं जहां जहां परेशान हो रहा हूं मेरी इच्छा, अदरवाइज तो कोई बात है ही नहीं, ये चाह चमारी चिड़ी अति निचंते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है, यदि चाह ना होवे बीच, इच्छा निकाल दो उसके बाद बताओ ना हंसने का कोई कारण है, सिर्फ इच्छा तुम्हें उदास करती, फिर कुछ मांग ले कर लेते हो, फिर कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हो, फिर कुछ नोटिस करने लगते हो, दुखी हो जाते, वरना तो सारा दिन उमंग में बिताओ, हंसी में बिताओ, खुशी में बिताओ, पा लिया नहीं सही हो रब पा लिया, पूरे गुरा तो रब पा लिया, और जबकि देखा जाए पूरे गुरा विच रब पा लिया, और क्या चाहिए, क्या करोगे अभी, हंसोगे रोओगे।